नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3, अर्थात 5 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। हमें बताना है कि 1 से लेके 5 तक की जो प्राकृत संख्या है और सबका क्या है, क्यू है यानी घन है, उसका औसत क्या होगा। तो हमें पता है कि जब हम औसत निकालते हैं तो औसत में हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहले तो जो संख्या है उनका योग और जितनी संख्या है उनकी संख्या, ठीक है। 2 चीजें हमारे पास हों तो हम औसत को आसानी से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर सभी संख्याओं का क्यूब है और लगातार है, तो 1 की पावर 3 से लेके n की पावर 3 का जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है n n+1/2 का स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले की मदद से हम इन संख्याओं का योग निकाल सकते हैं और संख्याओं की संख्या तो 5 है ही, तो सबसे पहले हम योग ही निकाल लेते हैं। योग क्या निकलेगा, n की जगह क्या आएगा, 5, तो 5 5+1/2 और इसका स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा और 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, यहाँ बचेगा 15 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 1 से लेके 5 तक के घनों का योग कितना निकल के आया, 225। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, योग निकल के आ गया 225 और संख्याएं थी 5, 5 से काट देंगे 5 को 20 5 25, यानी औसत निकल के क्या आ गया, औसत निकल के आ गया 45। यानी 1 से लेके 5 तक के घनों का जो एवरेज निकल के आया वह निकल के आया 45। इस प्रश्न में आपको यह फॉर्मूला याद रखना है कि लगातार प्राकृत संख्याएं जो हैं उनका योग जो निकालना है वो कैसे निकलेगा, n n+1/2 का होल स्क्वायर, इससे हमारा घनों का योग निकलेगा, वो योग निकल आएगा तो उसी से हम एवरेज निकाल देंगे। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।